सर को बताइए क्या कहना चाहती, आप क्या कहना चाहती? सर आई वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली। अच्छा, क्या पढ़ती हैं? बैचलर्स। आर यू ग्रेजुएट और परसुइंग ग्रेजुएशन? परसुइंग। बेटर टू कंप्लीट योर स्टडीज फर्स्ट। सर आई विल कंप्लीट इट। सर ये टीचर है, पढ़ाती है, वो टीचर है सर। ठीक है, शी इज मेजर, शी कैन। यस सर, शी इज मेजर, शी कैन टेक अ डिसीजन। बट माइट बी शी कैन टेक अ डिसीजन, बट माय लॉर्ड आई एम द पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड। माय लॉर्ड, he's just completed 18 years, my lord. Even there is running 19 my lord. Now after the 15 days of the 18, my lord, he has solemnized that voidable marriage with that person who has not completed the age keeping of marriage, it my lord. Aside, I'm a major, I can take my decision. Why so many petitions are there? 1, 2, 3, 4. Well, there are 4 petitioners, my lord. Even I have moved the habeas corpus also, my lord, in this matter. But the honorable division bench has dismissed the petition on the ground of maintainability, because the petitioner was in the custody of Nari Niketan. So it was not the illegal detention is found by the division bench, my lord. This petition, they are seeking only police protection. Only the protection, my lord. So, thereafter, I there is the no threat to them. Then, yes, is there any threat to? No, 19 years here. खुद अब. अरे आपको कोई threat है? तो then you withdraw this petition. No protection नहीं मिल पाएगा. फिर इनके घरवाले इनको मारने आएंगे उस दिन high court में 10 लोग. मारने आपको क्या लगता है? Criminal दिख रहे हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. It is a false averment made by the petitioner, my lord. Continuously from the first day, my lord. Only from the first day, my lord. Even my lord, the petitioner number 2, 3, and 4 has no locus. With respect to the petitioner number 1, my lord. Particular matter, they have no right over the petitioner number 1, my lord. उसने उन्होंने इनको इनके फादर को तो इतना मारा है पीछे बिठा के सर. मतलब आज इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता है तो मैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर इनके आवेदन भी नहीं दे सकता, इनके ऊपर FIR भी नहीं कर सकता, बिकॉज दे द प्रोटेक्शन वाले. वो प्रोटेक्शन थोड़ी मिलता है यहां से. बट माय लॉर्ड, जो यहां से प्रोटेक्शन केवल खोप पंचायत वाले लेवल उसी तक मिलता है, बस टू दैट एक्सटेंट ओनली. बट माय लॉर्ड, पुलिस उस अम्ब्रेला के चक्कर में इट विल नॉट बी कंसीडर्ड. पिटिशनर नंबर 1 इज ठीक है वो. ये क्या नंबर 3 एंड 4 कौन है? मदर फादर ऑफ द पिटिशनर नंबर 2. बिकॉज़ मदर पिटिशनर नंबर 2 3 एंड 4 हैज कमिटेड द क्राइम. माय लॉर्ड, आई विल लॉज एन एफआईआर इफ यू थिंक दैट विल नॉट डायरेक्ट फ्रॉम मी. आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आपने आईएनओ उनके खिलाफ नहीं लगा. इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? नहीं सर. तो फिर आप, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल. माय लॉर्ड, इवन काइंडली कंसीडर द मेडिकल रिपोर्ट ऑल्सो. माय लॉर्ड, इन द फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट इट वॉज फाउंड दैट शी इज प्रेग्नेंट, बट इन द सेकेंड रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया है. अच्छा, क्यों? सोनोग्राफी में नहीं आया, जस्ट फॉर द कोर्ट इंफॉर्मेशन. डोंट मेरे क्लाइंट है, अपने डॉक्टर से आपको रोक नहीं सकते. कैसी बात कर रहे हो? आपके क्लाइंट है क्या? आप देखो पिटिशनर. देखिए, पिटिशनर नंबर 2 इज प्रेजेंट इन पर्सन. अकॉर्डिंग टू हर शी इज मैरिड मेजर एंड शी वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर टू परस्यू हर स्टडीज. पिटिशनर नंबर 1. नंबर 1. अच्छा, नंबर 1. ठीक है, शी इज फ्री टू टेक अ डिसीजन फॉर बेस्ट ऑफ हर इंटरेस्ट. सो फॉर द मेन रिलीफ रिगार्डिंग पुलिस प्रोटेक्शन इज कंसर्न, द पिटिशनर्स आर फ्री टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न SP, एंड इफ SP फाउंड दैट एनी प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, ही मे एक्सटेंड द सेम. सो फॉर द पेरेंट्स ऑफ पिटिशनर नंबर 1 एंड कंसर्न, दे आर फ्री टू टेक रेमेडीज अवेलेबल एंड अदर पिटिशन इज डिस्पोजल. One minute.
आपको क्या प्रॉब्लम?